भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ये माना है कि पार्टी चुनाव मोड में है और इसीलिए बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। उन्होंने ये कहा है कि 22 जुलाई को हिसार में बूथ पालक और बूथ विस्तारक साथ ही संगठन के कार्यकर्ताओं की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री और हरियाणा प्रभारी शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है और कहा है कि गांधी परिवार के दरवाजे आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद थे और अब लोगों को घर पर निमंत्रण दे रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिल्ली और पंजाब के सीएम पर भी निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का बाढ़ के पानी को लेकर के गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी तो सारे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति के हिसाब से ही व्यवहार करते हैं, कार्य पद्धति के हिसाब से चलते हैं, कार्य पद्धति के हिसाब से सीखते हैं। आप देखिए, पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं सब लोग, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ती है, ट्रेनिंग कैंप अटेंड कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, उसी प्रकार का जैसे सामान्य कार्यकर्ता बेच डालता है, आपने देखे होंगे फोटोज, उस तरह से चल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की, हर पार्टी की एक अपनी कार्यपत्ति होती है, जो भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ आता है वो हमारी कार्यपत्ति का अनुसरण करते हुए ही आगे बढ़ता है। इससे अच्छा है दरवाजे खोलें, नहीं तो नेहरू परिवार से मिलना कोई आसान काम थोड़ी था, लेकिन आप दरवाजे खोल रहे हैं, उनको समझ में आ रही है, बड़ी देरी से खोल रहे हैं। अगर इसी तरह से जनता में मिलते जुलते, ये जो 50 से ऊपर की उम्र नहीं होती, जल्दी खुलती।